स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में मैंने आपसे एक शक्कर क्रास के बारे में चर्चा किया था। आज मैं डाई हाइब्रिड क्रास, द्विज शक्कर क्रास के बारे में आपको बताऊंगा और इस द्विज शक्कर क्रास के फलस्वरूप मेंडल ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया इसको मैं बताऊंगा। द्विज शक्कर क्रास है क्या? तो नाम से क्लियर है, डाई मीन्स होता है दो और हाइब्रिड मीन्स क्या होता है? हाइब्रिड मीन्स होता है संकर। हाइब्रिड संकर द्विज शक्कर क्रास का मतलब ये हुआ कि दो जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रास करते हैं। जब किसी पौधे में दो जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रास कराते हैं, इस प्रकार के क्रास कहते हैं द्विज शक्कर क्रास। तो मेंडल ने यह जो दो जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर क्रास कराया तो क्या रिजल्ट पाया, इसके बारे में चर्चा करते हैं। दो जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर पौधे के बीच क्रास कराए, मटर का पौधे को प्रयोग किया जाती है पौधे में क्रास कराया, तो उन्होंने पाया कि दो जोड़ी विपरीत लक्षण को ध्यान में रखकर जब पौधे में क्रास कराते हैं तो उसको कहते हैं हम द्विज शक्कर क्रास। तो फिर रिजल्ट क्या पाते हैं देखें जरा। आप जानते हैं मटर में जो उसका बीज होता है वह गोल होता है या तो सिकुड़ा होता है, राउंड होता है या रिंकल होता है, और बीज का कलर या तो पीला होता है या तो हरा होता है। तो ये जो गोल बीज है तो गोल बीज को हम डब्लू कैपिटल डब्लू से प्रदर्शित करते हैं और इसका विपरीत लक्षण जो रहता है ओरिंकल बीज होता है, संकीर्ण बीज होता है या झुरीदार कहते हैं इसको, झुरीदार बीज। और झुरीदार बीज कैसा होगा ये जो होगा इसको हम स्मॉल पी से पढ़ेंगे। इसी प्रकार से वो पीला बीज होगा तो पीला बीज को हम प्रदर्शित करेंगे कैपिटल वाई, या हरा बीज होगा इसको हम प्रदर्शित करेंगे स्मॉल। ये जो दो लक्षण हैं ये प्रभावी लक्षण हैं। प्रभावी लक्षण का मतलब कि जब दोनों के बीच में क्रास कराएंगे इन दोनों के बीच में तो प्रथम पीढ़ी में ये दोनों लक्षण दिखाई देते हैं, तो जो दिखाई देते हैं उसको प्रभावी लक्षण कहते हैं। और ये दो दोनों जो गुण है इसका अप्रभावी लक्षण है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ कि सेवन जीव जोड़ी जो विपरीत लक्षण का ध्यान रखकर क्रास कराया था उन्होंने, उसमें इस तरह की बात। अब उन्होंने जब क्रास कराया दो जोड़ी लिया, ये आपका कैपिटल पी और कैपिटल वाई डब्लू, ये कैपिटल डब्लू और कैपिटल वाई और स्मॉल डब्लू और स्मॉल वाई, ये क्रास हमने कराया। इन दोनों पौधे के बीच में जब क्रास कराया तो क्या पाते हैं वो, तो आप देखेंगे इस पुनेट के स्क्वायर चक्कर बोर्ड में, तो देखें कैसा रिजल्ट मिलता है। इस प्रकार से जब ये दो पौधे और इन दोनों पौधों में, तो अब इसमें युग्मक क्या, ये पैरेंट पैतृक पीढ़ी है और ये सभी क्या है होमोजाइगस हैं, विषम सम युग्मजी होमोजाइगस। अब इसमें गैमेट कैसे बनेंगे, ये डब्लू और दो इसमें युग्मक हैं
डब्लू डब्लू और वाई वाई, इसमें भी डब्लू डब्लू एक पेयर भी होते हैं, इसकी एक लक्षण के लिए एक पेयर होते हैं, एक पेयर लिखेंगे इसको एक पेयर। अब डब्लू और वाई एक युग्मक, फिर या डब्लू इससे पेयर बना करके दूसरा युग्मक, और फिर इसमें ये डब्लू इसके साथ और फिर डब्लू इसके साथ, इस प्रकार से चार युग्मक बनेंगे, ये युग्मक है। ठीक इस प्रकार से इसमें भी युग्मक बनेंगे चार, ये डब्लू और ये वाई, ये डब्लू और ये वाई, फिर ये डब्लू इसके साथ, फिर ये डब्लू इसके साथ, और इस प्रकार ये चार प्रकार के युग्मक बन सकते हैं। ये अधिकतम संयोजन ये हो सकता है। तो इसको लाभ इंडिपेंडेंट असाइनमेंट कहते हैं, आप देखेंगे इसको। अब देखें ये डब्लू ये चार युग्मक बने, इससे इन चारों से ये चार युग्मक बने। अब आपस में इसमें पौधा बनाया, देखें ये डब्लू और स्मॉल डब्लू और फिर ये कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर इसमें देखें तो कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू और कैपिटल वाई और स्मॉल वाई, फिर आप देखें थोड़ा खाने को बड़ा बनाना पड़ेगा, आप देखें तो फिर इसमें देखें कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल वाई स्मॉल, फिर अगला जो खाना होगा इसमें देखें कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल वाई स्मॉल। तो इस प्रकार से खाने बनाते चलेंगे आप और देखेंगे, फिर इसी तरह से सबका लिखेंगे कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर अगले खाने में कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू कैपिटल वाई स्मॉल वाई, फिर अगले खाने में कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू और कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और फिर अगले खाने में कैपिटल डब्लू स्मॉल कैपिटल वाई स्मॉल वाई। और इस प्रकार से ये जो खाने बन रहे हैं इसको आप F1 जनरेशन में देखें, तो आप इस तरह से बनाते जाएंगे तो सभी जो ये पौधे हैं आप पाएंगे किस प्रकार से, आप देखें दो जेल लक्षण, ये कैपिटल डब्लू और इसमें स्मॉल डब्लू, फिर कैपिटल वाई स्मॉल वाई कैपिटल डब्लू स्मॉल डब्लू 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 कैपिटल वाई स्मॉल वाई, और इस प्रकार से आप आएंगे कि ये प्रथम पीढ़ी में ये पौधे मिलेंगे। तो प्रथम पीढ़ी में ये जितने पौधे हैं ये सभी के जीनोटाइप कैसे हैं, सभी के जीनोटाइप एक ही हैं, और वो है ये 16 पौधे बने हैं, 16 के जो जीनोटाइप हैं वो ये हैं, क्या हैं, और ये है फीनोटाइप। तो सभी में आप देखेंगे जीनोटाइप में 16 पौधे बने, कैपिटल डब्लू सब में है, स्मॉल डब्लू सब में है, कैपिटल वाई सब में है, स्मॉल वाई सब में है, और इस प्रकार से सभी जो 16 पौधे होंगे वो कैसे होंगे, इनके बीज जो होंगे गोल होंगे और झुर्रीदार होंगे, गोल और झुर्रीदार। तो जितने भी पौधे हो गए गोल और झुर्रीदार, गोल और हरा, क्योंकि गोल भी प्रभावी लक्षण यहां लिखे हैं आप, और ये जो पीला पीला भी प्रभावी लक्षण लिखे हैं। तो जितने भी पौधे बने 16 उनमें बीज गोल होगा
और बीच हर पीला होगा, क्योंकि ये जो W यानी गोल प्रभावी लक्षण है और ये पीला प्रभावी लक्षण, इसलिए प्रथम पीढ़ी में जो 16 पौधे होंगे वो इस प्रकार से आपको दिखाई देंगे। लेकिन जब इन्हीं पौधों के बीच में आप दूसरा क्रॉस कराते हैं F2 जनरेशन में, तब क्या होगा? F2 जनरेशन में इनके बीच में 100 परागण कराएंगे तो क्या होगा, इसको अभी मैं चार्ट के द्वारा आपको बता रहा हूं। इसे ध्यान से आप देखें तो समझ में आ जाएगा कि द्विशंकर क्रॉस में जब हम द्वितीय प्रथम पीढ़ी के बीच में 100 परागण कराते हैं तो क्या होगा। तो इसके बारे में अभी मैं आपको बता रहा हूँ। तो इन पौधों के बीच में तो मैं बता रहा था कि द्विशंकर क्रॉस जब कराते हैं तो पैरेंट अगर समयुग्मी युग्मजी है होमोजाइगस है अर्थात वो शुद्ध नस्ल के हैं तो उनके बीच क्रॉस कराएंगे तो एक विषम युग्मजी या हेटरोजाइगस पौधा प्राप्त होगा। इस हेटरोजाइगस बीच के बीच में जो 100 परागण करते हैं तब क्या होता है, देखें तो F1 पीढ़ी में सभी पौधे विषम युग्मी होंगे और सभी में केवल प्रभावी लक्षण दिखाई देंगे और लक्षण क्या होंगे, गोल होगा बीज और पीला होगा, यही केवल पौधे दिखाई देंगे 16 पौधे। लेकिन जब इनके बीच 100 परागण कराते हैं तो पाते हैं कि इनके बीच में युग्मक ये चार प्रकार के युग्मक नर में बनेंगे और यही चार प्रकार के युग्मक मादा में बनेंगे। कैसे बनाते हैं देखें, तो देखिए इस W को इसके साथ लेंगे एक युग्मक बना, इसको फिर इसके साथ लेंगे दूसरा युग्मक, फिर स्मॉल वाले को इस कैपिटल के साथ लेंगे तो एक युग्मक और फिर इसी स्मॉल को इसके साथ लेंगे तो दूसरा युग्मक। ठीक इसी प्रकार से इसमें युग्मक का संयोजन होगा नर में और मादा दोनों में, और इस प्रकार से जो ये चार प्रकार के युग्मक बनेंगे इसी प्रकार के चार प्रकार किसमें बनेंगे, और ये 16 पौधे बनते हैं, इन 16 पौधे में 9-3-3-1 का संबंध होता है अर्थात 9 पौधे गोल पीला, 9 पौधे गोल हरा, 3 पौधे झूलदार पीला और 1 पौधा झूलदार हरा होता है। तो इस यह जो द्विशंकर क्रॉस द्वारा मेंडल ने क्या सिद्धांत दिया, उन्होंने एक सिद्धांत दिया इसको कहते हैं लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट या इसको कहते हैं स्वतंत्र अपव्यूहन कहनी। तो शब्द स्वतंत्र अपव्यूहन कहता क्या है, वो कहता है कि जब दो जोड़ी विपरीत लक्षण लेते हैं तो युग्मक निर्माण के समय ये जो दोनों जोड़ी हैं वो स्वतंत्र होते हैं एक दूसरे से जोड़ी बनाने के लिए। जैसे इसमें ये देखें इसमें तो ये साथ में ये जीन, ये दोनों प्रभावी और ये दोनों अप्रभावी दोनों जीन यहाँ तो एक साथ थे, लेकिन जब यहाँ युग्मक बनाने लगे तो यह कैरेक्टर जो एक साथ था इस स्मॉल वाइल्ड डब्ल्यू के साथ भी जोड़ी बना रहा है इसमें, और यह जो यहाँ कैपिटल वाई था यह इस स्मॉल वाई के साथ भी जोड़ी बना रहा है। तो इसमें यह नियम कहता है कि जब दो जोड़ी के जीन दो जोड़ी विपरीत लक्षण के जीन एक साथ रहते हैं अपने पैतृक में तो अगली पीढ़ी में जब युग्मक निर्माण होता है तो वो जीन एक दूसरे वाले जीन से जोड़ी बनाने के लिए स्वतंत्र होते हैं, यानी वह ऐसा नहीं है कि केवल अपने साथ ही जोड़ी बनाएंगे जो एक साथ है, इसे कहते हैं स्वतंत्र अभिमन का नियम। और इसका रिजल्ट क्या आता है, अगर द्विशंकर क्रॉस है तो 9-3-3-1 का रिजल्ट आता है। धन्यवाद, फिर अगला चर्चा के देखेंगे द्विशंकर क्रॉस के बारे में।